आपको बता दूं कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास पहले जा रही हूं। देवकी नंदन जी, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके एक बयान ने एक हड़कंप सा मचा दिया है। आपने कहा कि 10 से 12 साल और रुक जाइए, पूरे देश पर वक्फ का कब्जा होगा। देवकी नंदन जी को मेरी आवाज है। मैंने गलत क्या कहा सुशील जी? मैंने क्या गलत कहा? आप देखिए, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट बनी है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। वो कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट बना हुआ है, एयरपोर्ट, वो भी पार्लियामेंट, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। वो कह रहे हैं दिल्ली में कितने ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड की जगह पर बने हुए हैं। तो उन्होंने तो धीरे धीरे अपनी बात कहना वो शायद समय से पहले शुरू कर दिया है। जो मैंने कहा है उसमें अगर आपको कहीं भी संदेह दिखता हो तो उन्हीं की बातों को सुन के तो मैंने कहा है। मैं कह वही रहा हूं जो वो कह रहे हैं, उनका सुन के मैंने बोला है कि एक दिन वही होगा कि वो कह देंगे पूरा भारत वक्फ बोर्ड का ही है, क्योंकि पूरे भारत में अकबर का और इन लोगों का, बेगम की, कोई इसी की पाल की, किसी का घोड़ा यहां होके निकला है, तो पूरा भारत वक्फ बोर्ड का ही है। आप ये कह रहे हैं कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही जमीन एक सनातन बोर्ड के पास भी हो, एक ऐसा बोर्ड बने जिसके पास उतनी ही जमीन हो, तभी यह सही होगा। आपको लग रहा है ये संभव है? क्यों संभव नहीं? आप देखिए कितने मंदिर हमारे सरकारों के अंडर हैं, और देखिए कितने साधु संत महात्मा, कितने हमारे ईश्वर के प्राकट्य इस धरती पर हुए हैं। अगर उन्हीं स्थानों को आप हमें दे देंगे उससे ज्यादा जगह होगी। इवन हमारे तो ईश्वर के कई लीलाएं तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान में की हैं भगवान ने, अफगानिस्तान तक चले जाएंगे हमारी लीलाओं को देखे तो हमारे पास तो पूरा भारत में ऐसी कितनी जगह हैं जहां संत महात्मा और हमारे भगवान की लीला हुई है और अवतार हुआ है। और अभी भी जितने मंदिर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं उनसे कितनी जमीन लगी हुई है। तो सनातन बोर्ड जब बनेगा और वो मंदिर, वो सारे देवालय जब वो हमारे सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग उनके 50% तो हम वैसे पहुंच जाएंगे। मैं ये कह रही हूं कि आपने वक्फ की जो जमीन है उसके लिए वो वक्फ बोर्ड कहता है कि तुम्हारे लिए दान की गई जमीन है, जिन लोगों ने दान कर दी वो वक्फ की जमीन हो गई, तो आप लोग क्यों उस पर नजरें बनाए हुए हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हमको एक बात बताइए कि ये भारत का इतिहास कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना, 800 साल पुराना कि लाखों वर्ष पुराना? बिल्कुल प्राचीन है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन है ना। तो प्राचीन है तो इस देश में मुगल तो नहीं आए थे 600-700-800 साल पहले? उससे पहले तो ये भारत राम का था ना, उससे पहले तो ये भारत कृष्ण का था ना, उससे पहले तो ये हमारा देश साधु संत महात्माओं का ही था ना। ये पूरी जमीन जब हमारी थी तो दान करने वाले कौन थे? कौन कर गए वक्फ बोर्ड को दान? अरे दान तो हमने किया है पाकिस्तान बनवा के। आप जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भारत की दी हुई जमीन है, दान की हुई जमीन है। जिसपे आप लोग रह रहे हैं बांग्लादेश हमने दान किया है, जिसपे आप बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो इनको कौन दान कर गया? अरे वाह, तुम तो पाकिस्तान भी दान में ले लोगे, बांग्लादेश भी दान में ले लोगे, अफगानिस्तान भी दान में ले लोगे और भारत में भी दान ले लोगे। और हमारे जो दान दिए मंदिर थे वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। आज वहां सरकारों का वहां करोड़ों रुपए, अरबों खरबे रुपए जो आते हैं उनका पता ही नहीं है कितने लोगों को उस रुपए से क्या क्या हो रहा। उल्टा हमारे ऊपर तो प्रसाद में भी उल्टी सीधी चीजें खिलाई जा रही है, गाय का गौ मांस खिलाया जा रहा है हमको। एक सनातन बोर्ड होगा तो कम से कम इस अधर्म से तो बच जाएंगे हम लोग। एक जेपीसी बनाई गई है और सबसे बात करके उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए के एक समाधान निकले, लेकिन आज भी वहां पर वॉकआउट हुआ है, पहले हाथापाई हो चुकी है। आपको लग रहा है इसके जरिए कोई समाधान निकलेगा देवकी नंदन जी? क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो कौन लोग है? क्या वो ये चाहते हैं कि जो खुली आजादी वक्फ बोर्ड को मिली हुई है वो और मिले? उन्हीं नेताओं से हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि सनातन बोर्ड बनाने में हमारा सपोर्ट करें। अगर वो वक्फ बोर्ड के साथ हैं तो कृपा करके वही सारे यार, वही आजादी, वही रूल, वही रेगुलेशन सनातन बोर्ड को प्राप्त हो और उसमें जैसे उनके धर्माचार्य उस वक्फ बोर्ड में है वैसे ही हमारे धर्माचार्य सनातन बोर्ड में होने चाहिए। इसीलिए तो हमने सनातन बोर्ड की बात कही आपसे। आपको लग रहा है सनातन बोर्ड का जो एक प्रारूप होगा वो कैसा होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे मंदिर एक साथ आ जाएं और फिर सनातन बोर्ड में आ जाएं, यानी सारी जो जो मंदिर है
उनकी सबकी जमीन। जितने मंदिर सरकार के अंडर हैं और जो पुरातन मंदिर हैं वो सब सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे, और जो कई पर्सनल संस्थाएं हैं और पर्सनल संस्थाएं जो अपने ब्याह पे उस मंदिर को बनाती हैं और चलाती हैं और रख रखाव करने में उन्हें असुविधा होती है, उसका भी देख रेख हमारा सनातन बोर्ड करेगा। और उन्हीं मंदिरों के माध्यम से हाई फाई जो गुरुकुलम की परंपराएं वो चलाएंगे, अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। उन्हीं मंदिरों से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वहाँ हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था हो जो बेचारे अपना इलाज भी ढंग से नहीं करा सकते उनका इलाज भी हो, और जो जरूरतमंद लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनकी सेवा हम लोग जान उनके पास में जाएं, सनातन बोर्ड के माध्यम से जाएं, जिससे उन्हें विवश होकर धर्म परिवर्तन न करना पड़े। बहुत सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में है, सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातनी सुरक्षित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्ला ने धमकी दिया, उन्होंने कहा है कि हम जेल भर देंगे, ये हमारे लिए जीवन मृत्यु का सवाल है, हम जेल भर देंगे, इतने जेल भर देंगे मुसलमान के मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा जेल पर। जी हम जी। धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने धर्म को इतना सीरियस ले लिया, और एक बात समझ लीजिए, अगर वक्फ बोर्ड रहेगा और सनातन बोर्ड नहीं रहेगा तो आप विश्वास कीजिए हम भी जेल भर देंगे। अच्छा आप भी करेंगे? अच्छा अगर हमारा साथ किसी ने नहीं दिया तो हम भी जेल भरेंगे, हम भी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हमारी इच्छा यह है कि अगर वक्फ बोर्ड इस धरती पे भारत में है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, और जो पार्टियां हमारा समर्थन नहीं करेंगी उन पार्टियों को फिर सोचना चाहिए कि हम सनातनी धर्माचार्यों के साथ उनका कैसा व्यवहार है। हम तो आपके बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम तो हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े नहीं होने देना चाहते हैं, हम तो हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कल को आके उनको भी ना कह दे कि ये भी हमारी जगह है। सनातन को बचाने के लिए कंपलसरी, और इसी के लिए 16 तारीख को एक बहुत 16 नवंबर को बहुत बड़ा धर्म संसद होने जा रहा है दिल्ली में। आपके चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, जितने भी सनातनी और जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप बढ़ चढ़कर संत धर्माचार्यों को आकर समर्थन दीजिए, जिसमें हम लोग ये लड़ाई लड़ सके और सनातन बोर्ड का निर्माण कर सके। वक्फ बोर्ड रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सनातन बोर्ड चाहिए एनी हाउ। आप मैं देवकी नंदन जी आपसे, आप जो बोल रहे हैं, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूं, आप जेल भरेंगे वो भी जेल भरेंगे तो फिर क्या परिस्थिति हो जाएगी इस देश में, जरा इसके बारे में सोचिए ना। वहां तो से आप एक बात बताइए, हमारे धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पार्टियों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा क्या? इस देश में हमें वोटिंग का राइट नहीं है? हम लोग वोट नहीं करते? हम इस देश में टैक्स नहीं भरते? हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के लोगों के नेता जो हैं उनका ये अधिकार है कि हम लोगों की सुरक्षा करें और हमारे धर्म की सुरक्षा करें, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करें, उसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं हम। और अगर जेल भरने से ही हमें सनातन बोर्ड मिलेगा तो हम जेल जाएंगे, ठीक, हम किसी को भगाने डराने मिटाने नहीं जाएंगे जेल, हम अपने आप को बचाने, अपने सनातन बोर्ड को बनाने, और हम अपने लोग आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए जेल जाएंगे। हमारे पूर्वज तो इस देश को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे पे चढ़े, अगर हमें जेल जाना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, हम जाएंगे। देवकी नंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, समय देने के लिए, लेकिन आपके बयानों ने हड़कंप जरूर मचा दिया है।